संत के लक्षण क्या? क्या सबसे अच्छा लक्षण यह है कि जिसका हृदय नवनीत मतलब मक्खन के समान कोमल हो वो संत है। मक्खन में तो अपना ताप जब लगता है तब वो द्रवित होता है, परंतु संत तो दूसरे के ताप से दुखी हो जाता, द्रवित हो जाता। साधु का स्वभाव सदा शीतल होता है, सदा आनंददायी होता है, उसके समीप जाने पर संशय नहीं रहता है, शांति मिलती है। और मैं निवेदन करूं, जहां पर संसार का प्रपंच होता हो वहां मठ तो हो सकता है, बड़ी सी बिल्डिंग के वो स्वामी तो हो सकते हैं, परंतु संत नहीं हो सकते। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है, जब भी किसी महापुरुष के सन्मुख जाओ तो व्यापार कैसे बढ़ेगा, बेटे का विवाह कैसे होगा, शादी कैसे होगी महाराज, इससे अच्छा ये पूछो महाराज भजन कैसे होगा, भजन में मन नहीं लगता है, भजन कैसे करें। एक दिन कह रहा था ना, लोग मिलेंगे तो पूछेंगे तेरा व्यवहार कैसा है, लोग मिलेंगे तो पूछेंगे तेरा व्यापार कैसा है, परंतु लोग मिलते हैं तो ये नहीं पूछते कि तेरा प्रभु से प्यार कैसा है। व्यापार में मुनाफा नुकसान सब दिखता है। अरे एक माला हनुमान चालीसा करते थे, धीरे धीरे माला छूट गई, हनुमान चालीसा ही रह गया। और अब तो भैया आज तो मीटिंग में जाना है, माल लेने जाना है, तो हनुमान चालीसा भी आज सीताराम है। घर में कोई उत्सव है, विवाह है, समैया है, तो सबसे कटौती समय में किसमें काटी जाएगी? पूजा के काम में। भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, घर का पाठ नियम, अब तो आज तो व्यस्तता है, कल कर लेंगे। और ये नहीं कहते भैया आज व्यस्तता है, आज भोजन नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। भोजन दिन में 3 बार और भजन 1 बार नहीं। भगवान कहते हैं, संतों का चिंतन है कि दिन भर में 23,600 श्वास लेते हैं। महात्माओं ने गिनती कर ली, काउंटिंग कर ली, एक 24 घंटे में हमारी श्वास की गति जो नॉर्मल है, दौड़े ना, भागे ना, परिश्रम ना करें, तो सहज श्वास 23,600 हम लेते हैं। तो कह श्वास श्वास रटु नाम, कम से कम दिन भर में 23,600 नाम तो जपिए, ज्यादा ना जप पाइए। एक श्वास में आप 10-20 बार नाम ले सकते हैं, सीताराम 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 सीताराम। ये श्वास अभी एक नहीं पूरी हुई है, चल ही रही है। तो महाराज ऐसा करके आप दिन भर का कोटा एक ही बार में पूरा कर लीजिए, या फिर एक श्वास पूरी हो तब सीताराम बोलिए तो ये विस्मृत होने के चांस पूरे हैं, इसलिए महाराज दिन भर में ही जप लो। कहे महाराज थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए इसमें। कहे इतना नहीं कर सकते तो आधा करो, आधा नहीं कर सकते तो आधे का आधा करो। हमारे जीवन में हमारा जीवन धन, हमारी जीवन रेखा भगवान नाम है, भगवत कथा है, भगवान का सत्संग है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी हु के घर होए, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इसलिए नाम जपिए जैसे भी हो सके।